अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते हैं। कौन देगा यश को आवाज? क्यों पेट पर लात मारी यश ने आर्टिस्ट की? क्या नहीं है डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रीशा और आप सभी का स्वागत है बॉलिंग आर्ट स्टूडियोज में। दोस्तों, डबिंग फिल्म का एक अहम हिस्सा होता है जिसकी जरूरत हर फिल्म में किसी न किसी कैरेक्टर के लिए होती है। केजीएफ को हिंदी में डब करने के लिए भी ऐसे आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी थी जो दमदार थी, वो नाम है सचिन गोले। जी हाँ, केजीएफ के कुछ डायलॉग्स जैसे घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी भयानक होती हैं। जैसे दमदार डायलॉग हिंदी में यश ने नहीं बल्कि सचिन गोले ने बोले हैं। चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है, ये भी इनकी आवाज में थासू बना है। और वो वाला तो याद ही होगा, ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर शख्स शूटर नहीं होता, लड़की पर हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपने चाहने वालों के अलावा कोई नहीं समझ सकता, ये भी सचिन गोले के बोलने पर ही सबकी जुबान पर चढ़ गया था। साथ ही साल 2018 की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 जबरदस्त स्टोरी और दमदार डायलॉग से हिट हुई थी, लेकिन एक्टर यश के रूप में इन दमदार डायलॉग को हिंदी में सचिन गोले ने अपनी आवाज दी थी। डबिंग आर्टिस्ट सचिन की आवाज यश के साथ इतनी मिलती है कि फिल्म का एक एक डायलॉग फिल्म में जान फूंकता नजर आया है। लेकिन अब आने वाले केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी डब में भी हमें यश की आवाज में सचिन गोले को सुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यश स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 जो कि 2022 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, दिल्ली से यश ने प्रमोशन की शुरुआत कर दी है। और यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने हाल ही में हिंदी से की और फिल्म में वो सारे डायलॉग खुद ही बोलेंगे। उन्होंने डायरेक्टर प्रशांत नील, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ मीडिया से हिंदी में बातचीत की। यश की लंबे समय से फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को कई भाषाओं में सिनेमा घरों में हिट होने के लिए तैयार है। सुपरहिट फिल्म का सीक्वल रॉकी यश के इर्द गिर्द घूमता है। हिंदी के सुपरस्टार बनने के बारे में बात करते हुए यश ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है, अगला बड़ा सुपरस्टार कोई ना कोई बनता रहेगा, लेकिन लोगों को स्वीकार करना होगा एक्टर जल्द ही अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, यश की दमदार आवाज सचिन गोले की आवाज को टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।